had much time to think about it in terms of, we've been doing this every day. So haven't really thought about it. I didn't even know it's like 1 week, 6 days, it's 1 week, week. Six. 1 week to go. Yeah. So it hasn't even sunk in yet for me. How has it? Same, I mean, we're just itne busy rahe hain promotion mein. So camera look. Aur, इतने बिजी हैं ना अभी प्रमोशंस में कि वो फीलिंग नहीं आई अभी तक कि रिलीज का वक्त आ गया है जैसे फ्राइडे ज़्यादा और पास आएगा तब लगेगा कि अच्छा हाँ अब रिलीज है बट इवन आई वाज जस्ट थिंकिंग दिस मॉर्निंग कि अरे यार ये तो लास्ट वीक शुरू हो गया रियलाइज वन फ्राइडे हो गई अच्छा आप चारों से जानना चाहूंगा अपने किरदार के बारे में और अपने रियल लाइफ से कितना मैच करता है ये किरदार थोड़ा कुछ ऑडियंस को बताइए अपने किरदार के बारे में जिम्मी से शुरुआत करते हैं रियल लाइफ से कितना मैच करता है नहीं मैच करे तो अच्छा है और नहीं बग्गा आई थिंक मजे ले करने वाला किरदार था और मजे ले किया मेरे लिए बहुत अलग था ये किरदार बहुत सीरियस टाइप के रोल्स किए मैंने ये थोड़ा सीरियस नहीं है ये मैं यही उम्मीद करूंगा कि ये अगर आपको हंसा जाए ये किरदार तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है गुड्डू ये बहुत क्लोज है अपने किरदार लेकिन गुड्डू एक सिंगर है वो बजा नहीं रहा एंड ही इज हैप्पी एंड गुड्डू हैव नोन ईच अदर सिंस दे वर किड्स चाइल्डहुड फ्रेंड्स रहे हैं और एक दूसरे को जानते हैं उससे भी ज्यादा और या वो दिल हथेली पे लेके चलता है ही इज अ वेरी वेरी सिंपल गाय ब्लैक एंड व्हाइट नो ग्रेज That's what I love about him. मेरे में मुझ में है थोड़ा ग्रीन अली इसके अलावा आपने कहा कि आप सिंगर हो लेकिन हर प्रमोशन पर आपको डांस करते हुए देखा गया है तो कितना अच्छा डांसर है गुड्डू है अच्छा लेकिन इन्होंने कराया ये लोग मेरी ये लोग हां सब फ्री में मेरी लेग पुलिंग होती है हमारे को डायरेक्टर ने नचवाया है गाने के ऊपर और आप अगर हम तो नाच नहीं सकते आप अगर अच्छा नाचते हो और आपको हम नचवा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है और गाते भी बहुत नहीं 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 वो लाइनें सुन के आप लोग खुद कहेंगे कि बिल्कुल सुर में गाते हैं और उसमें क्या बुराई है चाहिए सही काश मैं गा सकता तो मैं तो आप लोग के सामने मैं तो एल्बम निकाल देता अभी तक ये बहुत गाते हैं ये ही इज अ छुपा रुस्तम हाउ इज रुस्तम डूइंग अरे हां सॉरी नहीं नहीं अभी इट्स जस्ट कम आउट यार अच्छा डायना Happy, not very close to what I am in real life. She's loud and she wears a heart on her sleeve. She's a fire starter, very feisty. So in that respect, not the same as how I am in real life. But there are certain things about her. Like I like that she's, you know, stubborn and opinionated and independent and she's brave. So yeah, there's like a little mix of She helped me with diction and you know Punjabi and like the accent and nuances and so it took some effort yeah
भाई आप क्या कहना चाहेंगे अपने किरदार के बारे में और रियल लाइफ में आप कैसे हैं, कुछ बताइए ऑडियंस को इस बारे में। बिलाल अहमद जो है ये बाहर पढ़ के भी आया हुआ, इज एजुकेटेड, तो वैसे काफ़ी सिमिलैरिटीज हैं दो हमारे बीच, बट आई थिंक फर्क इतना ही है कि क्योंकि वो पाकिस्तान में पला बड़ा है तो वो उर्दू बोलता है और मैं ऑफकोर्स इंडिया में पला बड़ा हूँ तो मैं हिंदी बोलता हूँ, उससे ज़्यादा फर्क था नहीं। बट देन अगेन कैरेक्टर ट्रेस इज लाइक बहुत ही रिफाइंड है, सॉफ्ट स्पोकन, जेंटलमैनली, जो मैं नहीं हूँ, तो वो सब चीज़ें तो मुझे ऑफकोर्स एड ऑन करनी पड़ी। अब लिखी गई थी इतनी अच्छी तरह से, आई डिड हैव टू ट्राई टू हार्ड, यू नो, इट हेल्प्स व्हेन द स्क्रिप्ट इज सपोर्टिंग यू। भाषा पे सबसे ज्यादा काम करना पड़ा। आई मीन मैं उर्दू पढ़ चुका हूँ बट उस लॉन्ग टाइम अगर 18 साल की उम्र का था मैं, लकीली प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम नहीं थी मगर वोकैबुलरी मेरी कमजोर है, तो वहाँ से मुझे डायरेक्टर से बहुत सारी हेल्प मिली। उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा बहुत अच्छी तरह से लिखा गया ये कैरेक्टर, ये कहानी, तो वो सपोर्ट स्क्रिप्ट से जब मिल जाता है तो फिर वो प्रोसेस भी थोड़ी आसान हो जाती है, यू नो। अबे इसके अलावा लास्ट फिल्म आपने प्रोड्यूस की थी, उसके बाद काफी लंबा समय लिया आपने फिल्म में आने के, तो इसके पीछे क्या रीजन था और चूजी हो गए थे स्क्रिप्ट को लेकर? चूजी हो नहीं गया था, चूजी तो मैं हूँ, वो तो पहले से हूँ, और मेरा हमेशा से रहा है 4-5 साल बाद में एक ब्रेक ले लेता हूँ और फिर जब मैं वापस आता हूँ फिर एक एनर्जी होती है, यू नो, तो जोश के साथ में भी अगली फिल्म करूंगा, होपफुली 4-5 और बना के मैं अपनी अगली ब्रेक लूंगा। जी मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि आज 20 मिलियन हो गए व्यूज आप ही लोगों ने दिए, थैंक यू सो मच। नहीं मैंने यहाँ के लिए ना अच्छे से प्यार बचा के रखा है, ये बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा सा है, उसका एक अलग स्पेस है, वो भी अच्छा है, वो एक हकीकत है जो वो सबका आई थिंक क्या कहते हैं उसे सबको मैंने ऐसे दिखाया है, ये उसमें मैं अपने आप को नहीं प्ले कर रहा हूँ, मैं आई थिंक सबकी विशेस प्ले कर रहा हूँ, but it was a very very interesting you know piece that we tried to recreate. अच्छा अली हमने देखा प्यार मांगा है और हैप्पी भाग जाएगी, अब वो हॉलीवुड का भी प्रोजेक्ट करते हैं कर रहे हैं आप, तो सब कैसे टाइम मैनेजमेंट करते हैं आप जी, कैसे सब कुछ कर लेते हैं अकेले सारा काम हॉलीवुड बॉलीवुड? अकेले ही करना पड़ेगा क्योंकि क्या है ना कि साथ में मुझे नहीं ले जाना है किसी को, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, आई एम वेरी एक्साइटेड। नहीं डेट्स हैं अलग अलग, तो ये जैसी रिलीज इसकी होगी उसके बाद मैं वहाँ जाऊँगा और लंदन में उसका काम है, 3 महीने वहाँ आऊँगा, वो ख़त्म करके फिर आई बी बैक एंड बी रेडी फॉर फुकरे। फिल्म का नाम और कब तक? विक्टोरिया एंड अब्दुल, ये एक ट्रू स्टोरी है, उसमें अनाउंस इट्स ऑलरेडी बीन अनाउंस एंड जूडी डेंच इज प्लेइंग द अदर पार्ट एंड आई एम प्लेइंग अब्दुल, मतलब हॉलीवुड फिल्म। और यू वांट मोर डिटेल, स्टीफन फ्रेयर्स उसके डायरेक्टर हैं और इधर मुदस्सिर अजीज हैं और किरदार मेरा किरदार मेन लीड का ही है जो उसमें टाइटुलर ही है, इट्स एविडेंट विक्टोरिया एंड अब्दुल। जिमी इसके अलावा हर फिल्म में आपके साथ में जो लड़की भाग जाते हैं, तो इस बार डायरेक्टर को कुछ बोला था आपने? नहीं सर, आप सवाल बदल दो वरना मैं जवाब बदल दूंगा। अच्छा सवाल, क्या 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 कौन सी फिल्म में लड़की मिलेगी आपको, कैसे पता इसमें नहीं मिलती है? इसमें शुरू में ही भगाती है तो क्या एंड में पहले देखो फिल्म की एंड भाई भूली भटकी घर वापस ही तो आएगी और क्या, उसमें यही तो है सर, लड़की तो घर आई लेकिन आप ले गए ना, आपको कैसे पता? मैं कहां लेके पागल, अबे नहीं यार मैं भगा कैसे सोपता हूं, तो एनीवे एंड देन सलमान खान कम्स इन एनीवे सॉरी। अच्छा डायना जी, हम देख रहे हैं कि कई सारे फीमेल एक्टर यहाँ हमारे फिल्मी दुनिया से हॉलीवुड में जा रहे हैं, अब देखिए आपके बाजू में एक्टर भी बैठे, आपकी कोई फीमेल एक्टर मतलब ये मेल है और फीमेल, आपकी कोई ऐसी इच्छा हॉलीवुड में काम करने की या पसंद करते हैं आप हॉलीवुड में जाना? आई मीन आई हैव नॉट थॉट दैट फार, ओनली जस्ट बिगन माय जर्नी हियर, सो आई थिंक आई एम गोना कंसंट्रेट ऑन दैट फॉर नाउ। Yeah. That's it? Nobody wants to know anything.
वो ये एक मैसेज हम लोगों ने बहुत लोगों को दी है. आई नो इट साउंड्स क्लीशेड बट प्लीज सेव पीपल. हम लोग यू नो खुशी में और इंडिपेंडेंस के जोश में इतना फ्लैग्स बनाते हैं और गाते हैं और फिर वही फ्लैग्स अगले 16 को सब पड़े हुए दिखते हैं जमीन पे और हर जगह. दैट्स नॉट वेरी नाइस. सो या आजकल सोशल मीडिया है सो यू नो मेक योर पेंट ब्रश. हम लोग साथ में ही होंगे. थोड़ा सा शायद ब्रेक लें हम लोग यार बिकॉज़ उस दिन आप लोग नहीं हैं.